Good morning, guys. Good morning. A very, very good morning to all of you. Good morning, Akanksha, Madhu, Aina, Deepika, Mahima, Aditya. A very, very good morning to all of you. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही बेहतरीन हो. तो भाई सेशन में पहले तो आप सभी लोग जुड़ जाएं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. चलिए तो फटाफट से जुड़ जाइए भाई. आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके सामने. हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत बार आपको बता चुका हूँ बेसिक से, और बहुत से क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, राइट? हाँ जी बिल्कुल. तो हर एक क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाया करेगा. तो आप जो एप्टीट्यूड IFS एप्टीट्यूड चैनल है उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो. IFS एप्टीट्यूड, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको रेगुलर बेसिस पे जो लेक्चर पीडीएफ से वो मिल जाएंगे, राइट? आई एम वेरी गुड मधु, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो? तो साथ ही साथ जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं आज, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले. जिससे क्या होगा, अगर आप CSIR नेट या UGC नेट या गेट CUT किसी भी चीज़ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड हर जगह आता है. तो जनरल एप्टीट्यूड के जो पार्ट ए है वो हर जगह आता है. तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, मैं हमेशा इसी चैनल पे ही आपका लाइव लेक्चर्स लेता हूँ. तो यहाँ पे आप लोग जुड़ जाए करो 11 बजे, और जल्दी ही हम CUT के लिए भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट मंडे से ये क्लास को स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो CUT के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ जाएं. आई एम गुड, आई एम वेरी गुड. ओके, तो सेशन को स्टार्ट करें भाई, बताइए. लेट्स स्टार्ट द सेशन. लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, तो उसका आंसर मुझे बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में किया है. दिस वॉज ऑन दी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सवाल था. लेकिन क्या इसका आंसर किया जरा पहले मुझको तो ये बताएं, फटाफट से मुझको बताएं ये प्रोबेबिलिटी का जो सवाल है इसका आप लोगों ने क्या आंसर किया. ऑप्शन नंबर 2, ओके, ठीक है भाई, और बताइए. 1/36 ऑप्शन नंबर 2, ओके. अब जिसने नहीं किया, जिसको कुछ डाउट है तो यहां पे देखें. कह रहा है 3 फेयर क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द डाइस रीड द सेम. कहने का क्या मतलब है, यहां पे आपने क्वेश्चंस करे हैं कि एक डाइस को एक बार रोल किया है, क्या डाइस को 2 बार रोल किया गया है, लेकिन डाइस को 3 बार रोल वाले बहुत से कम क्वेश्चन आपने करे होंगे. हमसे ये कह रहा है कि एक क्यूबिकल डाइस को 3 बार रोल किया गया है, तो हमको बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द डाइस रीड द सेम, यानी कि सब में सेम नंबर आना चाहिए, राइट? चलो, एज यू नो दैट अगर डाइस की मैं बात करूं तो डाइस के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, 6 to the power n, राइट? अगर एक बार रोल किया गया है तो 6 की पावर 1, यानी कि 6 आउटकम होंगे. अगर 2 बार रोल किया गया है तो 6 की पावर 2, यानी कि 36. यहाँ पे 3 बार रोल किया गया, यानी कि 6 की पावर 3, यानी कि 216, 216. ये बात समझ में आती है? तो दीज आर द नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डाइस रीड सेम, ऑल डाइस रीड सेम. तो भाई कौन कौन से आउटकम होंगे, जब तीनों के तीनों डाइस में एक नंबर आएगा, यानी कि 111 या 222 या 333 या तीनों में 4 आएगा या तीनों में 5 आएगा या तीनों में 6 आएगा,
यही तो पूछ रहा है कि सब में एक ही नंबर आएगा। तो ऐसे कितने आउटकम है? देर आर सिक्स आउटकम्स, देर आर टोटल सिक्स आउटकम्स और दिस विल बी 260। सो दिस विल बी योर आंसर, यानी कि 1/36। बहुत आसान सवाल। तो 1/36 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया सवाल ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो था लास्ट क्लास का एक सवाल, लेकिन एक क्वेश्चन और भी था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, लेकिन हम उसको इसी सेशन में करने वाले हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, बट मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ जिससे कि आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, राइट। तो उसके बाद हम बैक टू बैक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो, सो अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रॉफिट के बारे में, एंड लॉस के बारे में, तो ये तो सभी लोगों को पता है कि जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा उस केस में मुझे प्रॉफिट होगा। जब मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तब मुझे यहां पे प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर भाई 100 रुपए का कोई आइटम मैं 150 रुपए में बेच देता हूं, राइट, आपने क्या किया, एक आइटम 100 रुपए का खरीद के लाए और उसको 150 रुपए में बेच दिया, तो यानी कि यहां से आपने 50 रुपए प्रॉफिट कमाया। तो यहां पे आपका सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से बड़ा हुआ तभी तो प्रॉफिट हुआ ना। सिमिलरली अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है तो हमेशा आपको लॉस ही होगा। जैसे कि एक 100 रुपए का आइटम है उसको आप 80 रुपीज में बेच देते हो तो यहाँ पे सीधे सीधे 20 रुपए का लॉस हुआ है, 20 रुपीज का यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिल रहा है। सो दिस विल बी द लॉस व्हेन द सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन द कॉस्ट प्राइस, देन ऑलवेज यू विल हैव द लॉस, राइट। तो यहाँ से आपके जो फॉर्मूले बन जाते हैं प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला बनेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई द कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एक ये फॉर्मूला होता है, और लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। मैं हमेशा बड़ी वाली टर्म्स में से छोटी वाली टर्म को माइनस करूंगा ना, तो एसपी यहां पे बड़ा होगा प्रॉफिट के केस में, लेकिन लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी कि कुछ इस तरह से। ये दो फॉर्मूले हैं बस बेसिक। अगर इसको और अच्छे तरह से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय एसपी माइनस सीपी, क्या होता है, दिस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसा भी लिख सकते हो, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लाइक दैट, एक ही बात, ठीक है, दोनों एक ही बात। तो दीज आर द फॉर्मूलास। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब एक बात हम करते हैं यहां पे, डिस्काउंट के बारे में। व्हाट इज अ डिस्काउंट? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? देखो, कभी आप मॉल में गए होगे तो वहां पे पता लगता है आपको कि भाई जो भी टैग में प्राइस लिखा हुआ है उस पर 20% ऑफ चल रहा है, यानी कि
यानी कि मान लेते हैं भाई कोई एक आइटम है 1000 रुपये की, आपने एक जीन्स खरीदी है, ठीक है, 1000 रुपये की कोई एक जीन्स है। अब शॉपकीपर क्या करेगा, 1000 रुपये उस जीन्स को उसे बनाने में लगे। मान लेते हैं वो उसको 2000 रुपीज़ का एक बड़ा बड़ा सा एक टैग लगाता है, कहते हैं भाई 2000 की जीन्स है, टैग प्राइस देख लो। अब क्या करता है, अब आपसे कहता है भाई 2000 जो उसमें मार्क प्राइस किए गए हैं, यानी कि मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस वो प्राइस है जो आपको दिखाई देता है, जो आपको टैग दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। अब उस 2000 पे अगर वो 20% का यहाँ पे डिस्काउंट देगा, अब वो क्या कहेगा कि भाई 20% का डिस्काउंट चल रहा है, जो भी आइटम को लेना आप ले लो, मैं 20% ऑफ कर दूंगा। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे भाई, 2000 पे 20% ऑफ ले लोगे। 2000 का 20% कितना होता है, 2000 का 20% होता है 400, 400 रुपये। तो वो क्या करेगा, 400 रुपये यहाँ पे लेस कर देगा और उस आइटम को आपको 1600 में बेच देगा। 1600 रुपये में उस आइटम को आपको बेच दिया, लेकिन उस पर्सन ने केवल अपनी जेब से 1000 रुपये खर्च किए थे तो जीन्स को खरीदने में, लेकिन 1600 रुपये में उसको बेच दिया, तो यानी कि सीधे सीधे 600 रुपये का उसको फायदा हो गया, 600 रुपीज का उसको यहां पे प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। और ऐसे ही हर एक शॉपकीपर करता है। बात क्लियर हो गई? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन दी मार्क प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो यहां पे लिख दिया जाते हैं कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस को लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं, क्या, लिस्टेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है। अगर लिस्टेड प्राइस नाम से आए या मार्क प्राइस नाम से आए, दोनों का मतलब एक ही है, दैट इज द मार्क प्राइस। क्लियर? बिल्कुल। चलो तो ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, व्हाट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है, सक्सेसिव का मतलब है बैक टू बैक, यानी कि एक के बाद एक डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तो उसको नाम दिया जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल भाई आप एक मॉल के अंदर जाते हो ना, कोई एक आइटम को चूज करते हो कि भाई मैं ये 1000 रुपये वाला आइटम लेके आऊंगा, ठीक है। तो हमेशा जो आप आइटम जो चूज करते हो वो हमेशा मार्क प्राइस की तरह काम करता है, ठीक है। अब शॉपकीपर क्या कहता है कि भाई 1000 रुपये का जो आइटम अगर आप खरीदते हो तो मैं आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट, ठीक है। अब आप कहते हो अच्छा अगर 1000 पे 10% का अगर आप मुझे डिस्काउंट दोगे, 1000 पे अगर 10% का डिस्काउंट दोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। बात समझ में आ रही है, क्या कह रहे हो भाई, आप 10% का डिस्काउंट दे दो। फिर आप कहते हो काउंटर पे जाके, आप क्या कहते हो भाई मुझे 10% का डिस्काउंट दे दो, तो आपको बिल दे देता है, कहता है ये जो बिल है अगर आप कैश में पे करोगे तो आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा आफ्टर 10% डिस्काउंट, अगर आप क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट अगर आप करते हो पे तो आपको और फर्दर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, आपको फर्दर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि एक के बाद एक डिस्काउंट मिलना। पहले उसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर
फिर उसको 5% का डिस्काउंट और मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट बैक टू बैक, राइट। ठीक है, तो भाई मुझे ये बताइए, व्हाट विल बी द प्राइस ही हैव टू पे, कितना प्राइस उसको पे करना पड़ेगा अगर वो दो डिस्काउंट्स यहाँ पे अवेल करता है। अगर 1,000 पे 10% की मैं बात करूं, तो भाई 100 रुपये ऑफ हो गए, तो 900 रुपये उसका बिल बना, बिल विल बी ऑफ 900 रुपीज। अभी 900 रुपये पे 5% का अगर डिस्काउंट और दे दिया, 5% छोड़ो, कोई अच्छी वैल्यू दे देते हैं 10%, फिर से एक 10% का डिस्काउंट और अगर मिल गया, तो 900 का 10% यानी कि 90 रुपीज, तो 90 रुपीज का यहाँ पे और उसको लॉस हो गया, एक तरह से क्या है वो डिस्काउंट ही तो है, यानी कि 810, 810 रुपये का वो आइटम उसको पड़ेगा, जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 1,000। आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ही विल हैव टू पे 810 रुपीज आफ्टर दैट डिस्काउंट, राइट। 855 आ रहा होगा आपका, ओके ठीक है। अगर आप 5% के रेट से देखोगे ना, अगर आप 5% डिस्काउंट के रेट से देखोगे, तो यानी कि यहाँ पे 45 रुपीज, 45 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट होगा, तब आपका आएगा वैल्यू 855, ठीक है। 5% के रेट से 855 आएगा और 10% के रेट से 810 आएगा। बात क्लियर हो गई ना? एमआरपी, या एमआरपी वही चीज है जो हमारा मार्क प्राइस है, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा होता है ना प्राइस उस पे किसी आइटम के ऊपर, कि एमआरपी इज 1,000, एमआरपी 1,000 है, यानी कि आप उस आइटम को 1,000 रुपये से ज्यादा में नहीं बेच सकते। एमआरपी का मतलब ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। अब ये देखो, ये तो वो प्राइस है जो आपको उस लेबल यानी कि उस टैग पे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में शॉपकीपर इतने में थोड़ी ना खरीद के लाया होगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है उससे कम में खरीद के लाया होगा, तभी वो ज्यादा में बेचेगा, या उस आइटम को उतने में बेचेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा ना। तो एक सिंपल सा ये फंडा है कि जो डिस्काउंट है, विच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो नाउ ये तो हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छे हैं आज, देखो क्या कह रहे हैं। ये तो वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल दिया था, बट इसको मुझे बताएं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कंचन। ओके, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, ओके, यानी कि 2,000। देखिए, हमसे कह रहा है प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि आइटम के प्राइस को अगर मैं 20% से बढ़ा दूं ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि आइटम की कुछ कॉस्ट मान लेते हैं, लेट्स से द कॉस्ट प्राइस इज 100, अगर उसकी प्राइस को मैं 20% से बढ़ा देता हूं, अगर 20% उसके प्राइस को बढ़ा देता हूं, जिसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंट, इस परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस से जितना भी वैल्यू बढ़ा दिया जाता है, जितना भी परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंट। तो अगर 20% का इंक्रीमेंट है, यानी कि द मार्क प्राइस विल बी 120 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड इज देन सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। अब कह रहा है इसको 10% डिस्काउंट में बेच दिया जाता है, इफ इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट फॉर
फॉर रुपीज 2060। यानी कि अगर मैं एमआरपी को 120 मानता हूं, तो अगर 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा तो 120 का 10% कितना होगा, वो होगा 12, 12। तो यानी कि 12 का यहाँ पे एक तरह से डिस्काउंट दिया गया है। अगर 12 का डिस्काउंट दिया गया है तो वैल्यू विल बी 108, 108 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अभी जो 108 है ना, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है, 2160। क्योंकि एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है दैट इज 2160। तो एक एक तरह से क्या है, 108 इज इक्विवेलेंट टू 2160, देन 1 विल बी इक्विवेलेंट टू 2160 डिवाइडेड बाई 108, बट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी 100 का वैल्यू हमको निकालना है। तो द वैल्यू ऑफ 100 विल बी, करिए कैलकुलेट क्या होगा। यानी कि 2000 रुपीज, द कॉस्ट प्राइस विल बी 2000 रुपीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यही आंसर आ रहा था ना सभी का, ऑप्शन नंबर 4, राइट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें कि क्या कह रहा है और किस तरह से करना है ये जान लें। हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है आंसर। ओके, और बताइए भाई, सभी लोग आंसर करें, गलत करें, सही करें, बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन को जितना अटेम्प्ट करोगे, जितना कोशिश करोगे आंसर करने का, उतना ही बेहतर। क्वेश्चन समझ में आया ना? देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहां पे फोकस करिए। अक्षय बाइज एन आर्टिकल एंड मार्कअप इट 30% अबव इज कॉस्ट प्राइस। सेम मार्कअप कर दिया 30% अबव। एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ सेल ही गिव्स 10% डिस्काउंट इंस्टीड ऑफ 15%, ड्यू टू विच ही अर्न्स 13 रुपीज मोर। उसकी वजह से वो 13 रुपए ज्यादा कमा रहा है। अगर वो डिस्काउंट 10% का कर रहा है 15% की जगह, तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बहुत आसान सवाल है। देखो जब भी डिस्काउंट की बात करेगा तब तब हमें याद आएगी मार्क प्राइस की। ठीक
ठीक है, जब तक डिस्काउंट की बात नहीं करेगा ना, तो मार्क प्राइस को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, मार्क प्राइस को दूर ही रखना है, लेकिन डिस्काउंट के बारे में बात कर रहा है। देखो सबसे पहले कह रहा है अगर 30% अबव मार्क किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं मार्कअप, अगर मान लें कॉस्ट प्राइस 100 है, तो यहां पे 30% अबव मार्क कर रहा है, यानी कि द मार्क प्राइस विल बी 130, 130 ऑप्शन टू ओके। अब ये कह रहा है अगर 10% का डिस्काउंट यहां पे दिया जा रहा है, इफ देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अब ये कह रहा है अगर 10% का डिस्काउंट वो देगा इंस्टीड ऑफ 15% डिस्काउंट, भाई अगर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 130 का 10% कितना होता है 13, 13, तो द वैल्यू विल बी 117 आफ्टर डिस्काउंट। अगर यहां पे 15% का डिस्काउंट मिले, अगर यहां पे 15% का डिस्काउंट मिले, यानी कि कितने का डिस्काउंट, देखो बहुत ध्यान से सुनना, 130 की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं बताइए व्हाट इज द 10%, तो आप क्या करोगे, एक प्लेस बाद पॉइंट लगा दोगे, आप कहोगे 10% हमेशा क्या होगा 13। मैं आपसे कहूंगा बताइए 5%, तो आपको पता है 10% का मतलब है 13, तो 5% का मतलब क्या होगा 13 का आधा, यानी कि 6.5। सिंपल, इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं आसानी से, 5% का मतलब ये और 10% का मतलब ये, कुल मिला के 19.5, यानी कि इतने का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, और तो डिस्काउंट विल बी 110.5। ये बात समझ में आती है। सवाल ये है कि अगर 10% का डिस्काउंट दे वो इंस्टीड ऑफ 15% डिस्काउंट, ही इज गेटिंग 13 रुपीज मोर, यहाँ पे वो 3 रुपये ज्यादा कमा रहा है। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिस्काउंट्स, बोथ डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कितने का डिफरेंस दिख रहा है भाई, दिस डिफरेंस इज ऑफ 7.5, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज 19.5 एंड दिस इज 7.5, एक मिनट रुको, हाँ ये 6.5 होगा, राइट, ये क्या होगा 6.5 होगा, बात समझ में आती है, और ये 13 होगा, यानी कि एक तरह से क्या है, दिस इज 19.5। सभी को समझ में आया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 7.5, एक मिनट, 117 है, ये 6.5 है ना, तो दिस इज 6.5, एक मिनट, ठीक है। अभी जो 6.5 का जो डिफरेंस है, ये जो 6.5 का जो डिफरेंस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 13 रुपीज, क्योंकि यही तो 13 रुपए ज्यादा की बात कर रहे हैं ना, तो 6.5 का मतलब 13 है, तो 1 का मतलब 13/6.5, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज 100, तो दिस विल बी 6.5 टू टाइम्स, यानी कि दिस विल बी 200 रुपीज, 200 रुपए यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिंपल, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है एकदम, देख लो। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा है देखो, बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को केवल कर लेना ही इनफ नहीं है, क्वेश्चन को राइट अप्रोच से विद इन टाइम हमको बनाना है। नेक्स्ट,
क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्क प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट? वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। बोल रहा है हमसे, व्हेन एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 3/5 ऑफ द मार्क प्राइस, यानी कि एक आर्टिकल को अगर मैं उसके मार्क प्राइस का 3/5 वैल्यू पे अगर मैं बेचता हूं, द लॉस परसेंटेज वॉज 10, यानी कि तब 10% का लॉस उसको सहना पड़ेगा। द आर्टिकल शुड बी सोल्ड एट व्हाट फ्रैक्शन? अब कह रहा है आर्टिकल को किस फ्रैक्शन में बेचना पड़ेगा ऑफ द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से कितने फ्रैक्शन पे उसको बेचा जाए जिससे कि 10% का प्रॉफिट उसको मिल जाए। देयर शुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन व्हाट शुड बी द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दैट? हमको फ्रैक्शनल निकालना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट क्वेश्चन सीधा सीधा ऑप्शन सी आ रहा है। ओके चलो देखो, हमसे कह रहे हैं ना मार्क प्राइस का 3/5, तो मैं काम करता हूं क्या करूं मैं काम करता हूं मार्क प्राइस को मैं 100 मान लेता हूं, लेट से द मार्क प्राइस इज 100। वैसे तो मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानता हूं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट यहां पे अगर मैं मार्क प्राइस को 100 मान लूं एक बार को, तो कह रहे लॉस परसेंट वॉज 10%, तो यहां पे उसको लॉस परसेंट कितना होगा, 10% होगा। तो काम करो, अगर मार्क प्राइस को 100 मान लोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मानोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कह रहा है, अगर यहाँ पे लॉस उसको 10% का हुआ है, तो आफ्टर 10% लॉस, आफ्टर 10% लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90। दोनों तरह से मैं करके बता देता हूं, अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मानोगे आफ्टर 10% लॉस द सेलिंग प्राइस विल बी 90। अब सवाल ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, मार्क प्राइस का 3/5 है। तो देखो भाई, मार्क प्राइस का अगर मैं 3/5 करूंगा ना, तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए कुछ इस तरह से, यानी कि मार्क प्राइस शुड बी 150, 150 होगा समझ आया? आगे क्या बोल रहा है, कह रहा था लॉस वॉज 10%, द आर्टिकल शुड बी सोल्ड एट व्हाट फ्रैक्शन, कह रहा है आर्टिकल को किस फ्रैक्शन पे बेचा जाए, मार्क प्राइस के किस फ्रैक्शन पे बेचा जाए टू अर्न 10% प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, ये बात तो पता है ना आपको भाई, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। अगर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस का 10% यानी कि 10 रुपए, यानी कि द सेलिंग प्राइस शुड बी 110 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 110 रुपए। तो ये कह रहा है मार्क प्राइस का कितना फ्रैक्शन, मार्क प्राइस का कितना फ्रैक्शन मैं करूं जिससे मेरा सेलिंग प्राइस पे 10% का प्रॉफिट हो। द सेलिंग प्राइस इज 110, तो यहां से आप फ्रैक्शन निकाल, व्हाट इज अ फ्रैक्शन भाई, फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, द सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय द मार्क प्राइस व्हिच इज 150, दिस शुड बी 11/50, दिस शुड बी 11/50, यानी कि 150 का 11/15 जब मैं निकालूंगा ना, तभी तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, और वो सेलिंग प्राइस आएगा जब मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ कुछ इस तरह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देख लो इसको एक बार।
इज इट क्रिस्टल क्लियर? समझ आ गया? क्रिस्टल क्लियर, ओके। और बताएं। हाँ दोबारा से बता दो एक बार। देखो दोबारा से एक बार देख लो, हमसे ये कह रहा है ना कि जो आर्टिकल है उसको अगर मैं 3/5 पे बेचूंगा उसके मार्क प्राइस पे, तो 10% का यहाँ पे लॉस मुझको देखने को मिलता है। तो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया भाई कॉस्ट प्राइस का अगर 100 है और अगर 10% का लॉस हो रहा है, 10% के लॉस के बाद इस आइटम को मैं 90 रुपीज़ में बेचूंगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि उसको मार्क प्राइस के अगर 3/5 पे बेचूंगा तब उसका सेलिंग प्राइस 90 होगा, क्योंकि 10% का लॉस तभी तो होगा। तो मैंने क्या करा, मार्क प्राइस का 3/5 निकाला जो कि सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 90। तो यहां से मार्क प्राइस का वैल्यू क्या आएगा, 150, द मार्क प्राइस विल बी 150। मार्क प्राइस को 100 मान लिया। हाँ देखो मार्क प्राइस को 100 मानोगे तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ से कैलकुलेशन बढ़ेगा। कैलकुलेशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस जब तक 100 नहीं होगा ना 100, तो कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा। अगर मार्क प्राइस को 100 मान लोगे तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 नहीं होगा, तब तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मार्क प्राइस को यहाँ पे 100 मान सकते हो, लेकिन यू हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा है कि कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, राइट। तो यही मैं अप्रोचेस की बात कर रहा हूं। अगर आप दो अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक में ज्यादा कैलकुलेशन है एक में कम। अब ये समझ में आ गया, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 150। अब ये कह रहा है कि अगर मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए तो मार्क प्राइस का कितना फ्रैक्शन पे मुझे उसको बेचना पड़ेगा। तो भाई अगर 10% का मुझे प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस शुड बी 110, तो मार्क प्राइस तो वही रहेगा ना 150। तो 150 का कितना फ्रैक्शन मैं करूं, यानी कि मार्क प्राइस का मैं कितना फ्रैक्शन लूं जिससे मैं वो 110 रुपये में 10% प्रॉफिट पे बेचूं। सो द फ्रैक्शन विल बी 110 डिवाइडेड बाई द मार्क प्राइस, दिस विल बी 11/15, दिस शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट निकालना है। आपसे शॉपकीपर कहता है भाई मैं आपको 25% का डिस्काउंट दे दूंगा, फिर उसके बाद कहता है भाई मैं आपको 24% का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैं कहता हूँ आप 25% 24% अलग अलग मत बताओ मुझे, एक ही इक्विवेलेंट, एक मुझे ओवरऑल परसेंटेज बता दो,
मैं वो परसेंटेज डिस्काउंट चाहता हूँ, ठीक है। वी वॉन्ट अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर टू आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर टू बी। ओके, देखो जब भी डिस्काउंट की मैं बात करूंगा तो मार्क प्राइस शुड बी ऑलवेज, मार्क प्राइस शुड बी ऑलवेज 100। अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं तो पहला अगर डिस्काउंट, ध्यान से देखो, पहला अगर डिस्काउंट मुझे 25% का मिल रहा है तो एक्चुअल में वैल्यू जो पे करूंगा उस पर्सन को, दैट शुड बी 75%, क्योंकि भाई 25% तो ऑफ हो गया ना उस आइटम पे, तो बाकी का जो रिमेनिंग 75% वैल्यू है वी हैव टू पे दैट। तो द 75% ऑफ दिस मार्क प्राइस वी हैव टू पे। और उसके बाद ये जो वैल्यू बनी इस पे 24% का और डिस्काउंट दे दिया गया, भाई 24% अगर फिर से ऑफ कर दिए गए तो बाकी का जो रिमेनिंग 76% वैल्यू है दैट वी हैव टू पे, वो मुझे पे करनी पड़ेगी उसको, तो इसका 76% निकालो। तो ये जो जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस शुड बी 57 रुपीज। भाई 100 रुपये मार्क प्राइस का वो आइटम है और 57 रुपीज में उसको बेचा गया, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है भाई, 43। तो 43% विल बी द डिस्काउंट, दैट इज सिंगल और वी कैन से इक्विवेलेंट डिस्काउंट। समझ आ गया, द इक्विवेलेंट डिस्काउंट विल बी 43%। क्लियर है ना, चलो नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज का, क्या कह रहा है देखो। बताइए भाई, व्हाट शुड बी द आंसर। 50%, ओके 50% आ रहा है, चलिए देखते हैं भाई।
क्वेश्चन पढ़ा क्या है, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहे मैन सोल्ड आर्टिकल ए एट 100% प्रॉफिट, वो कह रहा है 100% प्रॉफिट पे एक आइटम ए को बेचता है। आर्टिकल बी एट 20% प्रॉफिट, बी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, हमसे कह रहे जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वो सेम है, देन द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, वी हैव टू फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए भाई, तो दो आइटम है, एक आइटम ए और एक आइटम बी, दोनों आइटम्स का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज सेम। तो देखो अगर यहां पे इसको 100% प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं मान लूं द कॉस्ट प्राइस इज 100, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा आफ्टर 100% प्रॉफिट, दिस सेलिंग प्राइस विल बी 200। ठीक है, अब दोनों का अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो इसको भी मैं 200 मान लेता हूं, लेकिन इस पे इसको 20% का प्रॉफिट होता है, आर्टिकल बी पे उसको 20% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो लेट से द कॉस्ट प्राइस इज एक्स, कॉस्ट प्राइस को अगर मैं एक्स मान लेता हूं तो एक्स पे 20% का अगर प्रॉफिट होगा, एक्स पे अगर 20% का प्रॉफिट होगा जो कि सेलिंग प्राइस 200 के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक्स का 120%, क्योंकि 20% का प्रॉफिट भी तो है ना, तो द कॉस्ट प्राइस विल बी 500/3। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, दिस विल बी 500/3 योर कॉस्ट प्राइस, बट यू हैव टू फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? देखो बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ, सेलिंग प्राइस कितना है टोटल, टोटल सेलिंग प्राइस इज 400, द टोटल कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, टोटल कॉस्ट प्राइस इज 100 प्लस 500/3, यानी कि दिस विल बी 800/3। यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, सो द प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इन 200। यही तो प्रॉफिट परसेंट होता है, यही फॉर्मूला मैंने बताया आपको। सो दिस विल बी 1 सेकेंड, दिस इज 400 ना, ये 400 है ना, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना 400, तो दिस विल बी 400/3 डिवाइडेड बाय 800/3, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस विल बी 50%, ये आना चाहिए कितना 50%। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हो सभी लोग भाई, 40% कह रहे हो, एक बार क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे बताएं। अब 500/3 कैसे आया, देखो ये 500/3 ऐसे आया, ये जो हमसे कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस हमको यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि भाई पहला वाला जो आइटम है उसका अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूँ, आफ्टर 100% प्रॉफिट उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 200। हमसे बोल रहा है दोनों के जो सेलिंग प्राइस वो बराबर है, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को बराबर कर लो, अगर ये 200 है तो ये भी 200 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाला, यहाँ पे कह रहा है इस पे कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है, तो एक्स का 120% निकालूंगा क्योंकि देर इज अ
प्रॉफिट ऑफ 20%, तो दिस विल बी इक्वल टू 200। यहां से आया मेरा 500/3 द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से ही, ठीक है, ये समझ में आया, यानी कि मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल ली आइटम ए का और उसका सेलिंग प्राइस पता है मुझे और इसका सेलिंग प्राइस सेम है, इससे मैंने इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो आइटम ए और बी का कॉस्ट प्राइस पता लग गया और आइटम ए और बी का ही मुझे सेलिंग प्राइस भी पता लग गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस ये कितना होगा? टोटल सेलिंग प्राइस विल बी 200+200 यानी कि 400 एंड द टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी 100+500/3 यानी कि 800/3। दिस इज टोटल कॉस्ट प्राइस एंड इट इज टोटल सेलिंग प्राइस। सो द प्रॉफिट परसेंटेज SP - CP / CP × 100 दिस विल बी 50%। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा ना कहीं पे, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? नाउ गॉट इट ना? ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What we have to find? देखो क्वेश्चन से क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लिया जाए। कह रहा है रोहन सेल्स हिज साइकिल टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पे ये इसको एक साइकिल बेचता है एंड मोहन स्पेंड्स 400 ऑन द रिपेयरिंग ऑन द साइकिल, यानी कि जितने में मोहन उससे रोहन से साइकिल खरीदता है उसके बाद 400 रुपये और एक्स्ट्रा लगाता है उस साइकिल पे उसकी रिपेयरिंग में एंड देन सोल्ड इट टू टीना एट
12.5% प्रॉफिट और टीना को 12.5% प्रॉफिट पे बेच देता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर द साइकिल फॉर द टीना इज 4500 रुपीज, देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल फॉर द रोड। यानी कि इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस था, इनिशियल जो प्राइस था, वी हैव टू फाइंड दैट। बताइए भाई, देखो बहुत ध्यान से देखना, इन तीन लोगों के बारे में बात हो रही है। मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था, इनिशियल जो प्राइस है, वो 100 रुपये था। 20% का अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा, आफ्टर 20% प्रॉफिट, ये 120 में इसको बेचेगा, ठीक है, 120 में बेचेगा। अब कह रहा है ये एक्स्ट्रा 400 रुपये और लगाता है, 400 रुपीज एक्स्ट्रा लगाता है। तो ये काम करते हैं, लेट्स से दिस इज 100x एंड दिस इज 120x, एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे 400 रुपये और स्पेंड कर रहा है, 400 रुपये और अगर स्पेंड करेगा और उसके बाद 12.5% का प्रॉफिट के साथ टीना को उस बाइक को बेच देगा, उस साइकिल को बेच देगा। अगर 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 12.5% का जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है, इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है, दैट इज 1/8। देखो 100% क्या होता है, 100% इज ऑलवेज 1, 50% का मतलब 1/2, 25% का मतलब इसका भी आधा यानी कि 1/4, 25% का भी आधा यानी कि 12.5, दिस इज 1/8। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। तो 1/8 प्रॉफिट पे वो उसको बेच देगा। तो व्हाट विल बी द न्यू कॉस्ट प्राइस, यानी कि टीना कितने रुपए में वो साइकिल को खरीदेगी, वो तो हमको दे रखा है डायरेक्टली 4500। तो इसका अगर मैं 1/8 निकालूं और इसी में मैं ऐड कर दूं, देन वी विल गेट दी कॉस्ट प्राइस फॉर टीना। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 1/8 निकाल के इसका 1/8 में ऐड करने से अच्छा मैं इसका क्या करूं, 8+1 यानी कि 9/8 इसका निकाल लेता हूं। क्योंकि जब भी इस तरह का आपको फ्रैक्शन मिलेगा ना, ये आपसे कहेगा 1/8 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज व्हाट, प्रॉफिट और लॉस। भाई 8 रुपये पे 1 रुपये का लॉस हुआ है या 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 8 रुपये पे 1 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों को मिला के कितना आया, 8+1 9 अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी कि 8। आप इसका 9/8 निकाल लो डायरेक्टली, जस्ट कैलकुलेट 9/8 ऑफ दिस वैल्यू, यू विल गेट दी कॉस्ट प्राइस। ये एक मेथड है, फ्रैक्शनल मेथड, जो कि मैं पहले भी बताया था आपको एक बार क्लास में इस तरह के। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है निकालने का, कैलकुलेट करने का। तो दिस विल बी 500 एंड दिस विल बी 4000 माइनस 400 डिवाइड बाय 120, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, यानी कि 30। तो एक्स का वैल्यू 30 आ गया, बट हमको क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस बताओ रोहन के लिए। दिस इज 100x, 100 × 30 यानी कि 3000 रुपीज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके। देख लो भाई एक बार, क्रिस्टल क्लियर, ओके ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन अगले सेशन में, मंडे से,
कुछ नए क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, तो उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो। अगर कोई आप टॉपिक पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अगर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, ऑप्शनल मेथड के बारे में भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसी और लेक्चर में, कि ऑप्शनल मेथड किस तरह से हेल्पफुल रहता है किसी भी क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो आप इसको ऑप्शनल मेथड से भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एक बार इसको अगर आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ लेना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप है जो आपका आईएफएस एप्टीट्यूड करके, तो वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क में, इस क्वेश्चन को आप लोग करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करना। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, चल ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस। इसी तरह से सेशंस हम लेके आते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू ऑल। अ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी मैं लेके आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस।